टॉप थ्री बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 12,000। तो भाई अगर आपका बजट 12,000 है, 12,000 के बजट रेंज में आप सेल्फी वगैरह अच्छी लेना चाहते हो, मेन कैमरे में फोटोज अच्छी क्लिक आउट करना चाहते हो, अच्छी रील्स या टिकटॉक वगैरह बनाना चाहते हो, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए कर रहा हूँ। तो बात करते हैं सीधा नंबर फोर की बात करूँ, लेकिन नंबर फोर एंड नंबर थ्री को मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया बिकॉज दोनों का प्राइस रेंज आपको सेम देखने को मिलता है एंड स्पेसिफिकेशन भी ज़्यादातर आपको सेम ही देखने को मिल जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रेडमी नोट 9 की एंड मैं बात कर रहा हूँ रियलमी 7i की। दोनों में से जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। अगर आप रेडमी लवर हो रेडमी नोट 9 आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है एंड भाई अगर आप रियलमी लवर हो रियलमी 7i आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है। दोनों एक ट्रस्टेड ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से आते हैं, दोनों का डिज़ाइन वगैरह ज़्यादा प्यारा है एंड भाई मुझे रेडमी नोट 9 का जो डिज़ाइन है, जो कलर्स वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा सही लगते हैं एंड ग्रे कलर में वो बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। मैं पिक वगैरह आपको डाल दूंगा तो दोनों में से आप देख लेना, जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। मैं दोनों की मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि दोनों में से आपके लिए कौन सा परफेक्ट हो सकता है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं Realme 7i की। तो डिस्प्ले की बातों को 6.5 इंच IPS LCD देखने को मिल जाती है जो कि 90 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो कि Gorilla Glass 3 की प्रोडक्शन के साथ देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बातों को स्नैपड्रैगन 662 देखने को मिल जाता है जो कि 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। बैटरी की बात करूँ आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात कर लेते हैं, आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है 64 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपको क्वाड कैमरा सेटअप तो मिल जाता है लेकिन आपको 4K ऑप्शन नहीं देखने को मिलता, 4K में रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। सेल्फी की बातों को 16 MP सेल्फी मिल जाती है। स्टोरेज की बात करूँ ये 3 से 4 वेरिएंट में देखने को मिलता है, जो भी आपके बजट रेंज में सेट बैठता है, मतलब प्राइस रेंज में आपके सेट बैठता है आप उसके जा सकते हो। प्राइस की बात करूँ आपको 11,000 के बजट में Realme 7i देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Realme 7i के। अभी बात करते हैं Redmi Note 9 की। तो डिस्प्ले की बातों को 6.53 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, इसमें भी आपको IPS LCD देखने को मिलेगी जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। तो यार इसका डिस्प्ले साइज थोड़ा सा बड़ा है तो आप देख लेना, ठीक है। प्रोसेसर की बातों को इसमें आपको Helio G85 देखने को मिल जाता है जो कि MediaTek की ओर से प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। गेमिंग प्रोसेसर, अगर आपने गेमिंग वगैरह करनी है आप दोनों स्मार्टफोन्स पे कर सकोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं आने वाला। जो ये प्रोसेसर है ये 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है, जो मैंने आपको Realme 7i बताया था वो 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। प्रोसेसर थोड़ा सा उसका ज्यादा बेटर है तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। स्टोरेज की बात करूं ये 3 से 4 वेरिएंट में ये भी देखने को मिलता है 4GB एंड 6GB रैम के साथ, जो भी आपके बजट रेंज में सेट बैठेगा आप उसके और जा सकते हो। बैटरी की बात करूं दोनों का बैटरी बैकअप आपको सेम देखने को मिलता है, 5020mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस आपको 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। प्लस पॉइंट इसका ये आ जाता है कि इसमें रिवर्स चार्जिंग आपको स्पोर्ट देखने को मिल जाती है जो कि इस फोन की खासियत हो जाती है, ठीक है। प्लस पॉइंट एक समान मतलब बन जाता है। कैमरे की बात करूँ आपको 48 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP के साथ क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, लेकिन इसमें भी आपको 4K ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। लेकिन अगर आप फोटोज वगैरह क्लिक आउट करने के ज़्यादा शौकीन हो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही होने वाला है बिकॉज इसका जो बैक कैमरा सच में बहुत ही ज़्यादा पिक्चर्स क्वालिटी उसकी बहुत अपर होती है। सेल्फी की बात करूँ आपको 30 MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ पहले इसका प्राइस आपको 12,000 के बजट में अप्रॉक्स देखने को मिलता था, लेकिन अभी इसका कम हो गया बजट, आपको ये 10,000 से लेकर 11,000 के बजट में Redmi Note 9 देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स के बता दिए, अभी आप देख लेना आपने नंबर 4 की ओर जाना है या नंबर 3 की ओर जाना है, ठीक है। अगर आपने Realme 7i की ओर जाना है आप जा सकते हो। मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको 90 रिफ्रेश रेट के साथ उसकी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है एंड उसका जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेरिजन किया जाए Redmi Note 9 से, ठीक है। लेकिन उसका जो डिज़ाइन है, कलर है, मतलब Redmi Note 9 के जो कलर्स आते हैं या डिज़ाइन या लुक वाइज, वो फ़ोन ज़्यादा बेटर लगता है Realme 7i से। तो आप देख लेना, अगर आपको डिज़ाइन मैटर करता है तो Redmi Note 9 आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। अगर आपको प्रोसेसर ज़्यादा तगड़ा चाहिए, अगर आप गेमिंग हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हो तो Realme 7i आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है, आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैंने प्रोवाइड किया है। अगर आप स्पेसिफिकेशन पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर टू की बात कर लेते हैं। नंबर टू पर यार मैंने रखा Redmi Note 10 को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, सबसे पहले ये नया लॉन्च हुआ एंड इसके कलर वगैरह बहुत ही ज़्यादा प्यारे देखने को मिलते हैं, आपको कलर वाइज तो बहुत ही पसंद आने वाला है एंड इसकी लुक भी बहुत ही अपर है एंड बैक साइड में जो कैमरे की शेप है वो इसको बहुत ही ज़्यादा सूट करती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये 3 कलर्स में देखने को मिलता है, 3 वेड में आता है ये फोन, प्लस आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि Gorilla Glass 3 की प्रोडक्शन के साथ देखने को मिलती है। तो यार
11 से 12,000 के बजट में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाना, वो सच में आपका जो एक्सपीरियंस है, अगर आप नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो यूट्यूब वीडियो देखने के ज़्यादा शौकीन हो, आपके लिए परफेक्ट डील होने वाले। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 678 देखने को मिल जाता है जो कि 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ भेजा है। तो भी अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हो, हार्डकोर गेमिंग भी करना चाहते हो, आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं आने वाला। आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जिसपे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30 FPS पर, ठीक है। आपको 30 MP सेल्फी मिल जाएगी, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये फ़ोन है ये डस्ट प्रूफ आपको फ़ोन देखने को मिलेगा। तो यार एक चीज़ मैं आपको और भी रिकमेंड करना चाहता हूँ, अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हो तो भाई आप वाइट कलर में देख लेना, बिकॉज इसको वाइट कलर बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। अभी बात कर लेते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, थोड़ा सा डीपली मैं आपको बता देता हूँ। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.43 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन के साथ देखने को मिलती है। प्रोसेसर की बातों को स्नैपड्रैगन 678 देखने को मिल जाता है जो कि 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। बैटरी की बात करूँ, आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। कैमरे की बातों को क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। प्लस भाई मैं आपको कह देना चाहता हूँ, अगर आपको कैमरे के रिलेटेड स्मार्टफोन चाहिए, अगर आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, फोटोज लेनी है, रील्स बनाते हो, टिकटॉक बनाते हो, आपके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील हो सकता है। सेल्फी की बातों को 30 MP सेल्फी मिल जाती है, प्लस आपको सेल्फी भी अच्छी मिल जाती है। प्लस कैमरा एप्लीकेशन में आपको कई ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग को, फोटोज को बहुत ही आगे तक लेकर जा सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, अगर आप इसको लेना चाहते हो आप ले सकते हो, अगर आपने सिर्फ चेकआउट करना है आप चेकआउट भी कर सकते हो। स्टोरेज की बात करूं, ये 2 GB में देखने को मिलता है 4GB एंड 6GB रैम के साथ। आप देख लेना जो भी आपके बजट रेंज में सेट बैठता है आप जा सकते हो। प्राइस रेंज मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपको 12,000 से लेकर 14,000 के बजट रेंज में ये मिल जाता है। 12,000 के बजट रेंज में आपको 4GB रैम के साथ देखने को मिलेगा। तो आपका अगर बजट है 12,000, आप पैसे पे कर सकते हो, मतलब ये फोन को परचेज कर सकते हो, आपका पैसा खराब नहीं जाने वाला, बिकॉज स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूरा लोडेड आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। तो यार डिजाइन लुक वाइज तो बहुत ही अपर है, एंड इसके कलर वगैरह मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 3 कलर्स में देखने को मिलता है, तीनों कलर इसको बहुत ही ज़्यादा सूट करते हैं। हाथ में पकड़ा होगा, कहीं होल्ड करके लेकर जाओगे यार, वो सूट करने वाला है। आगे बात कर लेते हैं नंबर वन पर यार मैंने रखा है पोको M2 Pro को। तो सबसे पहले भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, कोई हैवी एप्लीकेशन डाउनलोड एंड इंस्टॉल करनी है, तो आपके लिए परफेक्ट डील हो जाएगी। अगर आपने लॉन्ग टाइम फोन इसको रखना है, यूज़ करना है, कोई हैवी वर्क करना चाहते हो, आप सभी के लिए परफेक्ट डील हो सकती है पोको M2 Pro में। ज़्यादा समय खराब नहीं करता, सीधी बात करते हैं मेन स्पेसिफिकेशन। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.67 इंच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि 60 रिफ्रेश रेट के साथ आती। मैंने 120 लिखा लेकिन 60 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। प्रोसेसर की बात करूं, आपको स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिल जाता है जो कि 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा तगड़ा देखने को मिल जाता है, मतलब अगर आप हाई सेटिंग पे गेमिंग करना चाहते हो भी आप नॉर्मली इजिली कर सकते हो, आपको लैगिंग इशू नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगर आप मल्टीटास्किंग भी करना चाहते हो। स्टोरेज की बात करूं, आपको 6GB रैम के साथ देखने को मिलेगा, प्लस आपको 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। बैटरी की बात करूं, आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 33 वॉट का फास्ट चार्जर। कैमरे की बात करूँ, 48 MP के साथ कैमरा देखने को मिल जाता है। इसमें क्वाड कैमरा है जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। सेल्फी की बात करूँ, आपको 16 MP सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया पोको M2 Pro के। पहले इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था लेकिन अभी इसका प्राइस कम हो गया, आपको 12,000 के बजट रेंज में पोको M2 Pro भी देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपका बजट 12,000 है, 12,000 के बजट रेंज में पोको M2 Pro आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। अभी बात करते हैं, अगर मेरा बजट होता 12,000 तो मैं कौन सा फ़ोन लेता। तो भाई अगर मेरा बजट होता 12,000 तो पोको M2 Pro मेरे लिए परफेक्ट होता, बिकॉज उसके स्पेसिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा सही है। एंड भाई अगर मेरा मतलब मुझे पोको M2 Pro नहीं पसंद आता तो मैं जाता हूँ रेडमी नोट 9 के, वो पूरा परफेक्ट डील हो सकता है। एंड भाई अगर मेरा बजट 10 से 11,000 होता तो मेरे लिए परफेक्ट डील हो सकता था रेडमी नोट 9 में, उसी की और ज़्यादा, बिकॉज मुझे उसका कलर, उसके डिज़ाइन, उसकी कैमरा क्वालिटी एंड जो उसके स्पेसिफिकेशन आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सही लगते हैं। स्टार्टिंग से मतलब बहुत बिका, बहुत बिकने वाला रेडमी नोट 9 एंड रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स का भी प्राइस डाउन हो गया। अगर आपका बजट 15,000 तक भी हो जाता है तो रेडमी नोट प्रो मैक्स जो है Redmi Note 9 Pro Max जो है वो आपके लिए परफेक्ट डील हो जाता है यार, जल्दी जल्दी में कई बार बंदा मिस कर जाता है। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो लगी यार, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भी देना, दोस्तों के भी देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे कर ले फॉलो। लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। फॉलो वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो। प्लस मैं आपको कह देना चाहता हूँ,
अगर आपका बजट 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है या 1,00,000 तक भी अगर आपका बजट है भाई, सभी की वीडियो मैंने की है। प्लस मैं आपको ये भी बात कह देना चाहता हूँ, अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो 20,000 से लेकर अगर आपका बजट यार 4,00,000 तक भी हो जाता है, सभी की वीडियो यार मैंने की है, मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी, उसको चेकआउट कर लेना, आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगी, मेरे लिए भी यार सही है, मेरे व्यूज़ वगैरह बढ़ जाएंगे और किया यार। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मेरी वीडियो के साथ। थैंक यू।